प्रभु का जो वचन है वो सब लोग सुन सकें, जो ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो भी आनंद लें। और प्रभु यीशु सब नु बरकत देगा, क्योंकि वचन च लिखिया यीशु जी ने अपने मुँह के लफ्जों के बीच ये कहा कि जगत का शाना मैं। हालेलुया। इस वास्ते असी वो परमेश्वर के धीआं ते पुत्र, असी वो परमेश्वर के बच्चे हाँ, तो असी अंधेरे के विच नहीं होवांगे, असी चानण दे विच रहांगे। तां कि साडा परमेश्वर साडे लई उहने बलिदान देता, साडे लई उह सूली ते चढ़ गया, ते इसे लई उह सूली ते चढ़िया ते साडे हनेरे नूं खत्म कर दिता, तां उह जगत दा चानण बन गया, असी हनेरे चों निकल गए हां, क्योंकि उहने मेरे लई कुर्बानी कीती। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कुर्बानी देती है, तो असी उस परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करिए, और जीवने परमेश्वर की उपासना क्यों ना करिए। जिन्हें मैं पहला भी दसिया कि जिन्ने भी लोग असी दूर तक बैठे, ये खुदा ने सारिया दिया जिंदगियां नु बदलिया, सब दिया जिंदगियां नु बदलिया। कोई किस जाति तो आया, ये चीज कोई मैं ना दे रहा, क्योंकि यीशु किसी भी एक जाति दे लई नहीं आए। यीशु ने कदी भी ये गल नहीं कही कि मैं ईसाइयां दे लई आया। बाइबल दे विच कदी भी ये दर्ज नहीं है कि यीशु ईसाइयां दा गुरु सी, ईसाइयां दे लई आया सी। तां कदी ये भी दर्ज नहीं आ कि मैं ईसाइयां दे लई नहीं आया। मैं पूरी वचन च लिखिया कि मैं पूरे जगत दे लई आया, पूरे जगत दे लई आया। और किन्ने लोग जातां पातां नूं छड के, ऊंच नीच नूं छड के, हर जाति दा आदमी इत्थे बैठा, मेरे वीर मेरियां भैणां, क्यों इन्हां ने यीशु नूं क्यों जाणिया? क्योंकि यीशु ने इन्हां दियां साडियां जिंदगियां दे विच कम कीता। हालेलुया। यीशु ने साडियां जिंदगियां दे विच कम कीता। असी सब लोग, हर आदमी पापी है, हर इक ने पाप कीता, हर गंदगी दे विच सी। पिछले भी संडे मैं दस्सिया सी कि मैं अपने बारे एक गवाही छोटी जी दित्ती सी, अज मैं थोड़ा जिहा क्लीयर करांगा कि मैं एक पहला डॉक्टर सी, और जिंदगी की सी पाप सी, पाप वाली जिंदगी सी, पैसा सी लेकिन शांति नहीं सी, पैसा सी आराम नहीं सी रहेगा, पैसा सी इज्जत नहीं सी रहेगी। पर जो मैं बीमारियां दे नाल जक रहा, मेरा बेटा मेरे परिवार विच परेशानी वधदी जा रही सी, डॉक्टरां दा हल खत्म हो चुका सी, मैनूं भी कॉन्फिडेंस सी कि मेरे कोल पैसा आ, मैं चंगा पढ़ाई दी जा सिखवां, मैं पैसे दे नाल डॉक्टरां मैं हल कर लवांगा। बट सब कुछ खत्म हो गया, और वो हंकार जिहड़ा सी वो खत्म हो गया। उसने मेरे सज्जन डॉक्टर कर सके, क्योंकि मैनू सी कि मैं एक डॉक्टर हाँ, और न्यूरोसर्जन ब्रेन के बड़े बड़े डॉक्टर मेरे दोस्त ने, सब कुछ हो जाएगा। पर मेरी बेटी नूं वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सके। डॉक्टर की कहीं काउंसलिंग बिठाई, तो डॉक्टर ने यह कहा कि इनू सारी उम्र मेडिसन खानी पड़ेगी, और जिन्हें इनू अटैक हो रहे ने इसकी कोई गारंटी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। आस जिहड़ी सी डॉक्टर की वो टुट गई। फिर बाबियां दे वाले जाना शुरू कर दिता, कदी किसी जगह ते गए, कदी किसी जगह ते गए, पर अपने अंदर एक दुख लगता सी कि असीं एक पढ़े लिखे हो के समझदार हो के कि असीं बाबियां दे वाले जा रहे हां, पर इह सी कि शायद किते मेरा बेटा ठीक हो जाए, पर कुछ नहीं हो सकिया। डॉक्टर ने बाबिया के हामन सामन किए, कोई कहता मैं रब हाँ, कोई कुछ कहता सी,
जिथे जिथे भी लोग आते सी मैं गया परमेश्वर की आवाज आई क्योंकि एक साल पहला मेरे ब्रदर भाई जसवंत प्रभु यीशु ने उन्होंने चुन लिया अं ओदा भी विरोध करते सी कि साइया के घर च जाता है इस तरह तुरिया फिरता वा असी यीशु को कबूल नहीं करेंगे ठीक वो ब्रदर ने सानू दसिया कि तुसी यीशु चर्च में जाओ परमेश्वर के घर विनत करो और प्रभु इस बेटे को ठीक करे असी गए चर्च गए पास्टर को प्रार्थना कराई और पास्टर ने हाथ रख के चर्च प्रार्थना की और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा पास्टर ने हाथ रखा और प्रार्थना की कि ये बेटे नू पेट के अंदर भी प्रभु प्रेम देने वाला सी आज भी वो ही परमेश्वर है यीशु मसीह तुहाडे अगे इस बच्चे लई नवा प्रेम मंगदे आ और प्रभु इस बेटे नू नवा प्रेम और इन्नी गल कह के वो पाठ कहता जाओ जी इस बेटे का प्रेम नवा आ गया ये चंगा हो गया। मैं क्या पास्टर जी मैं तुहाडी गल किवें मन लवां इस गल दे नाल मैं सर्टिफाई नहीं हैगा। वो कहता जी विश्वास तो करना पवेगा तो मैं मजाक में कहा कि जो ब्रेन नवा आ गया फिर उन्होंने रिपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं हैगी तो ये जो मैं मेडिसिन दे रहा यहाँ क्या करना। उन्होंने मेडिसिन लई कि पानी के सुट दिखती कहते अज तो बाद कोई मेडिसिन नहीं देनी यीशु मसीह ने इन चंगा कर दिता हरे उस बच्चा होस्टल पढ़ता सी असी उसकी पैकिंग की उन्होंने डलाहौर जी भेज दिता और असी बार बार उसके वार्डन को फोन करना कि किवें आ बेटा वो कहते फिर ठीक है पहले नालों बहुत वधिया जी हूँ तुम मेडिसिन दिखी ये वधिया और खुदा का धन्यवाद करते हैं जो डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा दूसरों बच्चों नालों घट मतलब ब्रेन रखेगा कि ब्रेन घट काम करेगा। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कृपा की वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और यीशु ने उसके लिए बड़ी समर्थ दी कि नासा के विच पूरे इंडिया के विचों चौथे नंबर पर बच्चा सिलेक्ट होया और अमेरिका के विच बुलाई उन्होंने बड़ी बड़ी और ओबामा के नाल बैठ के उन्होंने लंच ओबामा भी एक इंसान है बट इस गल क्योंकि धरती के उत्ते सुप्रीम ऑफ द पावर कहा जाता वा कि बड़ी वही गल है कि ओबामा के नाल बैठ के खाना खावे तो परमेश्वर के बच्चे च लिखिया वा मैं नवे प्रेम देव की समर्थ रखता हाँ जिथे तू नहीं बीजिया उतो भी तू वेगा हले रही और खुदावन ऐसा परमेश्वर है। तो उस दिन तो बाद मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को अर्पण कर देता प्रभु आज तो बाद जे तू मेरे बेटे को बचाया वा सानू बचा लिया वा तो मैं भी बहुत सारिया रूहां दिखाई कि तेरा वचन कहांगा ताकि सब लोग बच जा हालेलुया हालेलुया यह है मेरा प्रभु यीशु दे विच आना क्योंकि अही प्रभु नू थोड़ी लभ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं रब नू लभ रहा वा जिधर कि मैं रब मिल गया मैं आ काम सड़ देने मैं इदा करना सड़ देना वा मैं तो रब नू लभ रहा वा पर परमेश्वर कहता वैसे च लिखिया तुसी कौन हो मैनू लभण वाले आदमी तू कौन हो मैनू लभण वाला मैं कितने गवाचा होया वा रब कितने गवाचा होया वा जिहड़ा रब नू असीं लभण तुरे होए आ रब ने कहिंदा मैं तेनू मां दे पेट दे अंदर ही चुन लिया सी मैं तेनू उदों ही चुन लिया सी समा आउण दे उत्ते मेरे बच्चे तू मेरी मेहमान है क्योंकि जे अही परमेश्वर दा हाथ फड़िया होवेगा तां वो हाथ सुट जावेगा इसे लई कि साडी जिहड़ी बाहां ओ परमेश्वर ने फड़ी होई है जिहदी बाह परमेश्वर प्रभु यीशु पर लेंदा वा ओ कदे भी बाह नहीं सुटदी इसलिए अपने अंदर ये प्रभु नु कहिए कि प्रभु मेरी मां तू हालेलुया बोलिए एक दूसरे को प्रभु मेरी मां तू है ता मेरी मां कदे ना सकती क्योंकि तेरे वचन च लिखिया वा कि मेरे तो अलग होके
कुछ नहीं तुसी कर सकते, इसलिए तुसी मेरे विच बने रहो, मेरे विच बने। और प्रभु यीशु सबकी मां भरी ने वो कदे भी अपने लोगों को छड़न नहीं वाला हैगा। और देखिए असि परमेश्वर के पवित्र वचन के चलेंगे, प्रकाश की पोथी उसकी 12:10 ऐत के विच चली, क्योंकि ये जी प्रकाश की पोथी ये आने वाले समय के बारे सानू दस रही है। हालेलुया, प्रकाश की पोथी सानू आने वाले समय के बारे दस रही है कि आने वाले समय च की होने वाला है, जो भविखबाणियां कि आने वाले समय के दुनिया बलूद के नाल जंगा लगन गईयां, ऐदा होगा। जरा प्रकाश की पोथी वाल पढ़िए, प्रभु को मंगिए जिन्हें भी आशीष लेनी है, और प्रकाश की पोथी को पढ़ना शुरू करिए। धन ने वो जेरे प्रकाश की पोथी को पढ़ते सुनते। हालेलुया, हाँ जी, उसकी दस के प्रकाश की पोथी मैं एक बड़ी आवाज स्वर्ग आखते सुनी भाई हूँ साढ़े परमेश्वर की मुक्ति समर्था मसीह का इख्तियार हो गया, क्यों जो साडे भरावां नूं दोष लाउण वाला जिहड़ा साडे परमेश्वर दे हजूर उन्हां उत्ते रात दिन दोष लाउंदा है हेठां सुत्या गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा लूसीफर है शैतान जिरा आदमी के अंदर साकिया जिदे अंदर साकिया जिदे अंदर ब्लेम है वो शैतान वालों। हालेलुया, क्योंकि वो दोष लाने वाला सी। बच्चे च हमने लिखा जिरा किसी पर दोष लाता है जिरा किसी पर शक करता वा, क्योंकि शैतान जो शक कहते करते हैं तो वो उत्ते शैतान का कब्जा है। और परमेश्वर कदे सच नहीं करता, जो परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो रिश्तिया जोड़ता है, जो तो शैतान आएगा तो वो सच पैदा कर देगा। जिथे भी कितने बच्चे च पढ़िया जिथे सच आया उसकी जिंदगी खराब होगी, क्योंकि शैतान ने कब्जा किया। पति ने पत्नी के सच करी जाना, पत्नी ने पति के करी जाना, भैन भरा के करी जाना, मां प्यो के सच करी जाना, पैसे कितने लै गया, उन्हें कितने रख दिते, क्योंकि सच वाला आत्मा जरा वो शैतान वालों। बच्चे च लिखिया मैं एक वड्डी आवाज स्वर्ग विचों आए आखते सुनी भई हुण साडे परमेश्वर की मुक्ति समर्था के राज मसीह का इख्तियार हो गया वा, क्यों जो साडे भरावां नूं दोष लाउण वाला जिहड़ा साडे परमेश्वर के हजूर उन्हां उत्ते रात दिन दोष लाउंदा वा वो हेठां सुट्टिया गया। चर्च दे विच मैं निकल जाना क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता, उत्थे इदां हुंदा वा, उत्थे क्यों हुंदा वा, उत्थे जे हुंदा वा, फलाने लागे मैं नहीं बहना, वो चंगा नहीं है, क्यों ये देख के मैं चंगा है, अगला नहीं चंगा ओला गोली मारो दफा करो, वो क्या है, वो चंगा है या नहीं है। अगर मैं चंगा वा तो मैं उसकी संगति करा ताकि परमेश्वर उन्होंने आशीष दवे, मेरी जान के मेरे बोलने के नाल हो सकता वो अंदरों शक वाला आत्मा निकल जाए। यीशु महान है इस वास्ते कि वो जिहड़ा दुष्ट आत्मा जिहड़ा शैतान सी लूसीफर सी वो दोष लाउण वाले नूं आकाश दे विचों परमेश्वर दे लोकां ने दस्या कि उन्हूं सुट दिता गया, उन्हूं नीचे सुट दिता गया, अते उन्हां ने लीले दे लहू दे कारण अपनी साखी के वचन के कारण ओनू जित लिया, मरण की अपनी जान नू प्यारा ना जाता। इस करके हे आकाशो ते जेरी उन्हां उत्ते रहिंदे हो तुसी आनंद करो, धरती अते समुंदर नू हाय हाय, इसलिए जो शैतान
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਮੁੰਦਰੋ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਬਾਦਮੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ। ਔਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾਨ ਜੋ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖੀਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲ ਦਲਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਘਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੂੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਰੀ ਹੋ ਜਾਈ, ਔਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ,
और डॉक्टर ने जो कहता कि कैंसर इनकी जीत चुकी है। आज अगे आ जाइए मेरे को आइए तुम यीशु के गवाह हो क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारा चंगा किया है। मैं चंगा नहीं किया, कोई ऐसा पास्टर नहीं है जरा चंगा कर देगा। चंगा करेगा तो मेरा यीशु करने वाला वा। मेरी भैन का विश्वास सी कि मैं चर्च में जावांगी तो कैंसर की बीमारी तो मैं आजाद हो जावांगी क्योंकि वचन दे विच लिखिया तेरे मार खान दे नाल असी चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। इस भैन नु कैंसर सी पर यीशु ने चंगा कर दिता। फिर इन्होंने जाके दिल्ली तो रिपोर्टा कराइया जदों प्रभु ने कहा विश्वास करो, विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो जाएगा। और जे भी इन्होंने विश्वास किया तो दिल्ली जाके एक बढ़िया हॉस्पिटल तो रिपोर्टा कराइया। उतों ही फोन किया पादरी जी रिपोर्टा तो नॉर्मल आ गए। हरे रिपोर्टा नॉर्मल आईया वा क्यों कि यीशु ने साडे लिए मार खा दी सी। हालेलुया। यीशु ने इस बेटी लिए कोड़े खाते सी ता यीशु ने इस बेटी नू चंगा कर दिता वा। इस वास्ते इन्होंने यीशु नू अपना जीवन दे दिता है और यीशु चंगा करन वाला परमेश्वर। आदमी ते भरोसा नहीं रखना, आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कर सकता है तो मेरा यीशु। हमेशा यीशु की महिमा करो। ठीक है, बैठ जाइए। और एक गजू गजी फेटो आई ना पटारे के कोल। और यीशु के क्यों लोग चंगे होंगे, किसी भैन बे औलाद है उन्होंने प्रभु एकदम कि प्रार्थना होंगी है तो उन्होंने प्रभु बच्चे की दाह देता है। एक भैन बैठी है, कि भैन बैठिया वा जिन्होंने परमेश्वर ने सुंदर बच्चों की दाह देती। हरे भैया क्यों, क्योंकि बच्चे च लिखिया मैं बे औलाद दीवी का घर वसावगा तो उन्होंने बच्चे की मां बनावगा। ये रब का वादा वा। तो फिर रब कहता तू विश्वास कर तो मैं तेनू क्यों नहीं दवांगा। मैं कहूंगा क्योंकि मेरी बेटी पेट का फल एक इनाम है, वो इनाम वो गिफ्ट मैं तेनू दवांगा क्योंकि तेरा विश्वास है। तू मेरे ते विश्वास किया कि यीशु सब को देने वाला वा। तो यीशु वचन च कहता मैं की नहीं कर सकता, मैं सारे वस्तु का जो होवा वा मेरे अगे कोई भी काम कठिन नहीं है, मेरे अगे कोई भी काम बड़ा नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर हां। मैं क्या नहीं कर सकता, कहता मैं वो परमेश्वर हां। अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं पत्थरों के बीचों भी बच्चे पैदा करने की समर्थ रखता। हालेलुया हालेलुया। मैं पत्थरों के बीचों भी बच्चे पैदा करने की समर्थ रखता हां। जे अज मैं इन्हों बेटिया बच्चे की दाह दी है मेरा वादा वा और इन्हों का विश्वास है तो यीशु की समर्थ है। तो खुदावन विश्वास करने वाले कहता सबको कुछ हो जाएगा। और इन्हों का विश्वास है तो यीशु चंगा करने वाला मेरा परमेश्वर। सिर्फ जरूरत है कि असं पूरे विश्वास पूरे कॉन्फिडेंस के परमेश्वर से खोल आइए। और कहता मैं तेनू क्या नहीं दे सकता, दुष्टात्मा तेरा क्या बगाड़ सकती है क्योंकि मैं तो उन्होंने अपने पैरों के थले फिसल सकती। सिर्फ तेरा विश्वास कितना कॉन्फिडेंट, तेरा विश्वास मेरे ऊपर कितना वा क्योंकि मैं ये जानना वा कि जेड़ा जुड़ा तुसी पहला भन चुके हो आजादी दे मशीन ने सानू आजाद किया वा, उन्हें आजाद किया इस लई दृढ़ रहो। जे तुसी जे अहीं आजाद हो गए तौबा कर ली है बपतिस्मा पा लिया वा प्रभु दे निजमा ते चलना शुरू कर दिता वा तो वचन च ये लिखिया कि तुसी दृढ़ रहो पक्के रहो। ये मैनू अज बरकत नहीं मिली तो ऐ थोड़ी है कि प्रभु नहीं देने वाला, इन्ना मेरे ते शक ना करो। अपने आप को सुधारो, अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ। जे तुहाडी प्रार्थना तीन घंटे आते साढ़े तीन घंटे कर दो, जे साढ़े तीन घंटे आते चार घंटे कर दो। और प्रभु कहता उसकी कीमत नूं अदा कर, तेरे को कितना बैलेंस है, तेरे को कितना बैलेंस है, कितनी प्रार्थना वा जिन्हां मैं वचन च कहता आने वाली तबाही तो बच सको प्रार्थना करो।
ताकि ती शैतान दे नाल जंग करो हते पाप के ने शराब की डाबर डावा वो शराब नु तोड़ दे रही सानू यत्न करने पवेगे जदों यीशु दे नाल प्यार करांगे मोहब्बत करांगे प्रार्थना वदेगी ता शराब टुटणगी यीशु दे नाम दे विच फिर कहिंदा तुसी पक्की हो जाओगे दृढ़ रहो इसलिए दृढ़ रहो अते गुलामी दे जूड़े हेठां मुड़ के ना झुको कितनी मुश्किल दे रहा मैं तुहानू बचाया तुसी बच गए आजाद हो गए क्योंकि मैं तुहाडे लई अपना कतरा कतरा लहू दा बहा दिता आने के तुसी बच मैं बच गया तुसी बच गए यीशु ने सानू आजाद किया वा अपना बलि पिता ने कुर्बानी दी अपना पुत्र साडे लई कुर्बान कर और पुत्र ने की कुर्बानी पुत्र कहता मेरे को परमेश्वर को सब तो प्यारा पुत्र सी उन्हें पुत्र भी अपना कहता मैं तुहाडे लई अपना पुत्र भी भेज दिता किधर मैं तुहानू बाकी दीआं वस्तुआं नहीं दवांगा ये साडे अंदर शक होंदा कि सानू आ चीजा नहीं मिलिया नहीं मिल रही मैं चर्च बदला फलानी जगह ते चला जावा हुण मैं चर्च नहीं आवां क्यों कि मैनू बरकत नहीं मिली पर परमेश्वर कहिंदा विश्वास कर दृढ़ रहो पक्का हो जा कहिंदा मेरे ते शक ना कर मैं यहोवा कहिंदा कि मैं अपना पुत्र तुहाडे लई कुर्बान कर दिता जिन्ने पुत्र दा भी सरफा नहीं कीता कि वो बाकी दीआं वस्तुआं सानू नहीं देवेगा बाकी चीजा नहीं मिलनगियां पर उहदे लई पक्की हो जा कहिंदा वो गुलामी दे जूड़े दे विच किते जाके दुबारा ना झुक जायो जिहड़ा गुलामी दा जूड़ा भन्नण दे लई मैं अपना लहू हारिया सी तुहाडे मेरे हरे लो यार मेरे नहीं यीशु मुझे मोटे हाथ मार के मेरे नहीं मोटे हाथ मार के तेरे नहीं यीशु ने लोग आए ताकि तू बच जाए हरे लो यार दोबारा गलती ना करो फिर जाके दोबारा गुनाह ना करो अपने पुरुष भी ये दोबारा गलती ना करो मुंडे हाथ मार के लिए दोबारा गलती ना करो आगे गुलामी दे विच ना जाए क्योंकि जेरे शरीर दे कम्मां दे द्वारा असीं रात दिन भज रहे हां सानू शरीर दीआं चीजां हो चाहीदा वा जे चाहीदा वा तां कहिंदा कोई मनुख प्राण विच फड़िया भी जावे तां जेरे आत्मिक ओह मनुख नरमाई ते सुभा दे नाल सदा प्रभु प्यार करन वाला वा कहिंदा प्यार दे नाल तुसीं ओहदा सुधार करो यानी कि प्रभु दी वड्डी आशीष वड्डी बरकत सब दे उत्ते आवे यीशु सब नूं प्यार करन वाला वा अज महीने दा पहला ऐतवार है और प्रभु यीशु आप सब नूं आशीष सब नूं बरकत देगा और जिन्हां ने तौबा करके बपतिस्मा नहीं पाया वो अपने बावां नूं खड़िया जिन्हां ने अज तक तौबा नहीं की बपतिस्मा नहीं पाया वो किन्ने लोग हैं